हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरा जो रोलैंड E09 का टॉपिक है वो है मतलब आपका रीड सेंसिटिविटी और कीबोर्ड सेंसिटिविटी, कुछ भी आप बोलो। मतलब आपका कीबोर्ड में जब आप ऑन करते हो, मैं पहले ऑफ़ करके ऑन करता हूँ, ऑफ़ करके मैं इसको ऑन किया, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो, उधर साइड पे एकदम साइड पे एक बटन है जो ऑलरेडी चला हुआ है, मतलब कीबोर्ड टच, ये बटन का नेमिंग है, राइट। तो यहाँ पे जब आप कोई भी की प्रेस करते हो, आप अगर ज़्यादा प्रेशर से प्रेस करते हो इसको, ज़्यादा ज़ोर साउंड आता है। अगर हल्के से प्रेस करते हो तो बहुत हल्का सा साउंड आता है, ठीक है। तो ये है आपका कीबोर्ड का जो कीज़ है, कीज़ का जो टच सेंसिटिविटी बोलता है इसको। तो मैं अगर इसको ऑफ करता हूँ, मतलब इसका टच सेंसिटिविटी मैं ऑफ कर दिया, ठीक है। इस दौरान अगर मैं कोई भी की प्रेस करूँगा, हल्के से भी प्रेस करूँगा या ज़ोर से भी प्रेस करूँगा या हल्के से भी प्रेस करूँगा, दोनों का साउंड जो डेप्थ या इंटेंसिटी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं हल्के से दबाऊं या बहुत ज़ोर से दबाऊं, साउंड सेम ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मैं इसका जो सेंसिटिविटी है उसको डिजेबल कर दिया हूं, उसको ऑफ कर दिया हूं। तो अभी मैं इसको अगर ऑन कर लेता हूं, ठीक है, तो आप यहां पे देखोगे मैं अगर धीरे धीरे प्रेस करते जाता हूं तो साउंड बहुत धीमा से होगा। अभी मैं सेम चीज़ बजाता हूँ सी स्केल में, लेकिन थोड़ा प्रेशर देके बजाता हूँ। तो क्या होता है एक्चुअली कि कोई भी गाना आप बजा रहे हो, राइट, या कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सारे अगर नोट्स जो बज रहा है वो अगर सेम इंटेंसिटी से बजेगा तो सुनने में थोड़ा मोनोटोनस फील होता है, राइट। तो इसीलिए अगर आपका गाने का इमोशन के हिसाब से या गाने का फील के हिसाब से आप अगर थोड़ा कुछ कुछ नोट्स ज़्यादा अच्छे से प्ले, आप सुन पा रहे हो कि यहाँ पे जब मैं जोर से दबा रहा हूँ तब साउंड जोर ज़्यादा जोर आ रहा है, जब धीमे से प्रेस कर रहा हूँ इसको साउंड बहुत अच्छे बहुत कम साउंड आ रहा है, ठीक है। तो यही होता है आपका सेंसिटिविटी। तो मेरे ख्याल से कीबोर्ड सेंसिटिविटी ऑन रहना चाहिए तो थोड़ा फील अच्छा आता है। कोई भी अगर गाना आप बजा रहे हो तो उसमें फील का वेरिएशन होता है या आपका जो नोट का जो साउंड का इंटेंसिटी होता है उसका वेरिएशन का बहुत ज़रूरत होता है, तो इससे आपको मिलता है। नाउ और एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो आपका कीबोर्ड टच है इसको अगर प्रेस करके रखोगे आप देखोगे आप यहाँ पे कैसा दिखा रहे हैं। अगर मैं इसको अगर प्रेस करके रखता हूँ, प्रेस एंड होल्ड करके रखता हूँ, तो आप देखते हो यहाँ पे कीबोर्ड टच आ गया, राइट। एक बार प्रेस करके होल्ड करके मैं छोड़ दिया, जब यहाँ पे चेंज हो गया कीबोर्ड टच देखिए आप यहाँ पे मैक्स है 127, राइट। तो यहाँ पे जो टेम्पो प्लस माइनस बटन है यहाँ पे, ये यह अगर आप प्लस करने जाओगे देखिए आप कुछ नहीं हो रहा है, मतलब 127 इज़ द हाईएस्ट वन, इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, यही सबसे मैक्स वैल्यू है इसका। तो आप इसको घटा सकते हो माइनस यूज़ करके, ठीक है। आपको अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब आप सेंसिटिविटी चाहते हो लेकिन कम सेंसिटिव हो वो आप चाहते हो, मतलब जैसे मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ इसको, ठीक है 50 कर दिया। अभी अगर बजाता हूँ यहाँ पे, सेंसिटिविटी यहाँ पे कम हो गया एक्चुअली, राइट। तो यही एक्चुअली सेंसिटिविटी होता है।